मुंबई में ईवीएम हटाओ सेना के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राइट टू रिकॉल पार्टी अध्यक्ष आईआईटी इंजीनियर राहुल मेहता द्वारा आविष्कृत ईवीएम मशीन के बहुचर्चित डेमो मॉडल को प्रदर्शित किया गया और दिखाया गया कि किस तरह ईवीएम में लगे काले कांच के द्वारा कागज के वोटों की चोरी संभव है। इस डेमो का प्रदर्शन ईवीएम हटाओ सेना ने प्रभारी पवन जूरी के द्वारा किया गया। डेमो के दौरान पवन जूरी ने बताया कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटों की चोरी साबित हुई और इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट मशीन को लाया गया ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे और उसके बाद से भारत में वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाने लगा। परंतु जून 2017 में चुनाव आयोग ने सभी वीवीपैट मशीनों में लगे पारदर्शी कांच को हटाकर उसकी जगह काला कांच लगा दिया और वीवीपैट में जलने वाली लाइट की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया। इसके बाद से ही वीवीपैट द्वारा कागज के वोटों की चोरी संभव है। कार्यक्रम के अंत में ईवीएम हटाओ सेना के महाराष्ट्र प्रभारी अमित उपाध्याय ने बताया कि देश भर की 50 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने उनकी इस मांग का समर्थन किया है और चुनाव आयोग को पत्र भेजकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं हेतु बूथ में बैलेट पेपर भी रखवाए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय पर देश भर में इस तरह से और भी शहरों में ईवीएम डेमो प्रदर्शित किए जाएंगे और ईवीएम को भारत में पूरी तरह से बंद करवाना ही उनका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में सह प्रभारी यक्षित पटेल सहित कई ईवीएम विरोधी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2017 से जो दो बदलाव हुए, सफेद कांच को काला किया गया और लाइट की अवधि 15 सेकंड से 8 सेकंड की गई। उसके बाद में कागज के वोटों में हेरा फेरी होना संभव है, वो अभी मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। इसके मद्देनजर हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाए या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वोट बैलेट पेपर भी रखा जाए। लोकसभा चुनाव सामने है, ये दोनों में से कोई एक मांग को लोकसभा चुनाव से पहले पहले चुनाव आयोग को मंजूर करना चाहिए ताकि वोटर के पास में विकल्प रहे। ईवीएम के लिए कब से काम कर रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए हैं। ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2019 में कर दिया था। राहुल चिमन भाई मेहता जो कि जिन्होंने इस तरीके को खोजा, उन्होंने 2019 में इसको शुरू कर दिया था और तब से हम लगातार नागरिकों के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कांच के काला को काला होने के बाद कैसे कागज का वोट चोरी हो सकता है। अभी कहा कि लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, तो लोकसभा चुनाव के करीब आते ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुंबई हम पहली बार आए लेकिन दिल्ली में हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर वहां पे हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था 6 जनवरी को और उसके बाद से दिल्ली के में हमने 5-7 प्रोग्राम और किए। जयपुर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले महीने 15 तारीख को और अभी यहाँ पे आना हुआ। तो हमारी तरफ से हमारे जितने संसाधन और हमारी परास है उसके अंदर हम पूरे भारत भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आपने किस क्या मांग की है? इलेक्शन कमीशन को हटाओ की मांग की है या ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों होना चाहिए? ईवीएम इलेक्शन कमीशन को हम पिछले 4 साल से पत्र भेज रहे हैं ईवीएम हटाओ, लेकिन अभी हमने ये पत्र भी भेजना शुरू किया है कि यदि आप ईवीएम पूरी तरह नहीं हटाते हैं तो कम से कम वोटर को अभी विकल्प दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने, इसलिए इसे इस मुद्दे को सीरियसली तुरंत पुटअप होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिप्लाई आया आपको? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो आगे आपकी क्या रणनीति, आप क्या करने वाले? हम मास मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत भर के अंदर। हम अपनी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये काले कांच का डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचा सकें, क्योंकि इसको बोल के हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि कागज का वोट कैसे चोरी होता है। तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मास मूवमेंट खड़ी हो। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को संपर्क कर रहे हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शन कमीशन को इस बाबत का पत्र भेजिए कि इलेक्शन की बैलेट पेपर लाए, ईवीएम हटाए या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर। क्या कांग्रेस आपके समर्थन में है? कांग्रेस जो है उनका जो प्रपोजल है इसके लिए उन्होंने रखा है कि इसमें जो पर्ची निकलता है वीवीपैट का वो वोटर के हाथ में देना चाहिए।
हमारे विचार में इस ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इसके लिए रीडिजाइन करना पड़ेगा 12 लाख वीवीपैट को, जो कि मुमकिन नहीं है। तो हम उस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये डीडी है, ये डीडी है। हमने चुनाव आयोग से उनको हमने कई पत्र लिखे हैं कि हमें एक मशीन वीवीपैट की देनी दे वो, ताकि हम उसके अंदर ये प्रदर्शित कर सके कि क्या इसमें ये लूप होल है वो किस तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए पत्र लिखे हैं, साथ ही हमने उसकी जो कॉस्ट होती है बेसिक कॉस्ट 40,000 रुपया होती है, तो हमने वो 40,000 का डीडी भी उन्हें भेजा है। तो साफ जाहिर होता है सर कि कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हो कि ईवीएम भी रहना चाहिए और बैलेट पेपर भी रहना। नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारी दोनों मांगे हैं। पहली मांग जो कि हम 5 साल से रख रहे हैं लगातार, कि ईवीएम है उसे हटा के बैलेट पेपर पे लौट आना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, क्योंकि भारत में जैसे ईवीएम के विरोधी हैं वैसे सपोर्टर भी हैं, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम ये प्रपोजल पे भी राजी हैं कि ठीक है आप वीवीपैट के साथ में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रख सकते हैं। आज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स होती त्याच्यामध्ये आम्ही जो 2011 मध्ये वीवीपैट आला त्या वीवीपैटमध्ये इलेक्शन कमिशनचं असं म्हणणं आहे की वोटर जो वोट टाकतो त्याला पेपर स्लिप दिसते, आणि ते पेपर स्लिप दिसल्यामुळे जो वोटिंग आहे ती वेरीफायबल झाली आहे आणि कुठल्या प्रकारची याच्यामध्ये चोरी होऊ शकत नाही। तर आम्ही आमच्या जो बनवलेली ईव्हीएम आहे आणि त्याच्यासोबत वीवीपॅट आहे, त्याच्या वीवीपॅटच्या कालाकाच्या मागे कशी पेपर स्लिप्सची चोरी होऊ शकते हे डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवलं। आणि त्यानंतर आमची मागणी आहे का, पहिले तर हीच आहे का तुम्ही ईव्हीएम हटवा। जर ईव्हीएम नाही हटवता, कमीत कमी येत्या लोकसभेसाठी, येत्या लोकसभेचे एकच महिने राहिले आहेत, त्या एक महिन्यासाठी ईव्हीएम तुम्हाला ठेवायची तर ठेवा, पण बॅलेट पेपर नक्की ठेवा। बॅलेट पेपर ठेवण्याने ज्याला बॅलेट पेपरनी वोट करायचं आहे त्याचं एक जनमत पण होऊन जाईल की किती लोकांना बॅलेट पेपरतून वोट द्यायचं आहे आणि किती लोकांना ईव्हीएम द्यायचं ईव्हीएमनी वोट द्यायचं। तर हे झालं पाहिजे, ती आमची मागणी आहे, त्यासाठी आम्ही आमचा हे प्रयत्न करत आहोत। याच्यामध्ये आम्ही हेच दाखवलं की जी वीवीपॅट आहे, वीवीपॅटच्या कालाकाच्या मागे कशी पेपर स्लिपची चोरी होऊ शकते। आजच्या डेटमध्ये ईव्हीएमचा जो मेन संरक्षण आहे तो संरक्षण आहे हे वीवीपॅट, आणि वीवीपॅटमध्ये जे स्लिप दिसते त्या स्लिपमध्ये लोकांना विश्वास पडतो की आम्ही ज्यांना वोट देतोय तर वोट त्यांना जात आहे। पण ऑक्टोबर 2017 याचा जो काच आहे तो काळा केला गेला। पहिले हा काच व्हाईट आणि सफेद होता, आणि ते काच जो आहे तो अँटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास आहे, म्हणजे त्याच्यामधून बाहेरून लाईट जरी मारली तर ते आत काही दिसत नाही, आतच लाईट पेटली पाहिजे तेव्हाच बाहेर दिसणार। तर 2017 हा काच काला केला गेला, आणि ते 15 सेकंडची जी वेळ होती ती अवधी 15 सेकंडची त्याला 7 सेकंड केलं गेलं। तर त्याच्यामुळे जो एखादा वोटर येतो वोट करतो, वोट करल्या केल्यावर त्याला फक्त पेपर स्लिप लाईट पेटून दिसते, ती प्रिंट झाली का, ती ड्रॉप झाली का, ती होत नाही।